इमरान ने फाइल के आखिर में खाली सफात पर वो फार्मूला लिख दिया था जिसे उस सेंसी रुकावट को दूर किया जा सकता था, और फिर उसने फाइल बंद की और उसे उठाए वो बेडरूम से बाहर आ गया। इमारत से बाहर उसने डेमी को साहिल के साथ एक पत्थर पर बैठे हुए देखा। उसका रुख समुंदर की तरफ था। इमरान के कदमों की आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा और फिर इमरान को आते देखकर वो चौंककर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ, क्या काम मुकम्मल हो गया, डेमी ने कहा। हाँ, मैंने तुम्हारे कहने पर यह सब कुछ किया है। अब देखना यह है कि तुम्हारा चीफ हमारे साथ क्या सलूक करता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसने डेमी की तरफ बढ़ा दी। क्या वाकई वो काम हो गया जिसके लिए पूरी तंजीम इस कदर परेशान थी, डेमी के लहजे में यकीन ना आने वाली कैफियत मौजूद थी। तुम साइंस की डॉक्टर हो, पढ़कर देख लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये इतना आसान होता तो फिर मसला ही किया था। बहरहाल तुम्हारी मेहरबानी, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली है, डेमी ने बड़े ममनूनाना लहजे में कहा और दोबारा पत्थर पर बैठकर उसने फाइल अपने साथ ज़मीन पर रखी और जैकेट की जेब से वही सिगरेट केस निकाला और उसका ढक्कन खोलकर उसने उसके एक सुराख में दाएं हाथ की छोटी उंगली रखकर दबाया तो सिगरेट केस से टूं टूं की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर डेमी ने उंगली हटा ली और सिगरेट केस का खुला हुआ ढक्कन बंद कर दिया। हेलो, प्राइमर कॉलिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद प्राइमर की आवाज़ सिगरेट केस से सुनाई दी। डेमी बोल रही हूँ चीफ, इमरान ने फाइल पर काम मुकम्मल कर लिया है, ओवर, डेमी ने कहा। क्या कह रही हो, इतनी जल्दी, ओवर, प्राइमर के लहजे में हैरत की झलकियाँ नुमायाँ थी। यस सर, आप खुद इमरान से बात कर लें, ओवर, डेमी ने कहा। हेलो इमरान, क्या वाकई तुमने उस सेंसी उलझन को इतनी जल्दी दूर कर दिया है जिसके लिए हम इतने तवील अरसे से टकरे मार रहे थे, ओवर, प्राइमर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरे लिए इंतहाई मामूली काम है और मैंने वो काम कर दिया है और फाइल डेमी के हवाले कर दी है। तुम बेशक उसे अपने साइंसदानों से चेक करा सकते हो, ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। गुड, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा। डेमी, तुम फाइल को उसी तरह पैक करके मेरे पास भिजवा दो जैसे तुम्हें हदायत दी गई थी। जैसे ही वो फाइल मुझ तक पहुँचेगी मैं उसे साइंसदानों के बोर्ड में भिजवा दूंगा, और अगर वाकई ये काम मुकम्मल हो गया है तो फिर तुम्हें भी इनाम मिलेगा और इमरान को भी, ओवर एंड ऑल, प्राइमर ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। और डेमी ने सिगरेट केस उठाकर उसे जेब में डाला और फिर फाइल उठाकर वो उठ खड़ी हुई। मैं अंदर से वो ब्रीफ केस ले आऊँ, डेमी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। डेमी तेज तेज कदम उठाती हुई इमारत की तरफ बढ़ गई। इमरान वहीं पत्थर पर खामोश बैठा हुआ था जब डेमी को इमारत में गए काफ़ी देर हो गई तो इमरान को अचानक ख्याल आया तो वो बेख्तियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से इमारत की तरफ बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी इमारत घूम गया, लेकिन डेमी वहाँ मौजूद ना थी और ना उसका ब्रीफ केस था। इमरान के चेहरे पर शदीद हैरत के तस्वीरात ऊपर आए थे। वो इमारत से निकला और उसके एक भी हिस्से की तरफ बढ़ गया और फिर उसने पूरे जजीरे का चक्कर लगा लिया, लेकिन डेमी तो इस तरह गायब हो चुकी थी जैसे गत्ते के सर से सींग गायब होते हैं। हैरत है, ये लड़की कहाँ चली गई और कैसे, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और वापस आकर बेडरूम में कुर्सी पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि आखिर डेमी कहाँ और कैसे जा सकती है, लेकिन कोई बात उसकी समझ में ना आ रही थी। वो बैठा सोच रहा था कि अलमारी में मौजूद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर उठकर उसने अलमारी खोलकर ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्राइमर कॉलिंग, ओवर, प्राइमर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग यू, ओवर, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। तुम हैरान तो हो रहे होगे कि अचानक डेमी कहाँ गायब हो गई है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें इस बारे में बता दिया जाए ताकि तुम मज़ीद परेशानी से बच जाओ। डेमी की वापसी का बाकायदा इंतज़ाम किया गया था। जब डेमी की लॉन्च साहिल पर पहुंची थी तो दूसरी तरफ एक खसूसी अफसर भी जजीरे के साथ पहुंच चुकी थी। जब काम मुकम्मल हो गया तो डेमी साहिल के उस हिस्से की तरफ गई और अफसर में सवार हो गई और अफसर उसे लेकर समुंदर में सफ़र करती हुई जजीरे से वापस चली गई। वो मेरे पास पहुँचने वाली होगी, बहरहाल तुम फिक्र न करो,
अगर वाकई तुमने मेरा काम कर दिया है तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तब तक तुम आराम करो, ओवर एंड ऑल, प्राइमर ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर अलमारी बंद करके वो कदम बढ़ाता हुआ बेडरूम से बाहर आ गया। खासे तेज लोग हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो बाहर आकर उसी पत्थर पर बैठ गया। अब वो सोच रहा था कि किसी तरह अपने साथियों से रब्ता कायम करे। उसके पास ना ही कोई ट्रांसमीटर था और ना यहाँ से किसी से रब्ता कायम हो सकता था। वैसे उसके जहन में भी ये बात ना आई थी कि डेमी की वापसी का उस तरह इंतज़ाम किया गया होगा, वरना वो किसी तरह भी डेमी को वापस न जाने देता। इमरान जज़ीरे में घूमता रहा, उसका जहन यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचने में मसरूफ था, क्योंकि उसकी छठी हिस कह रही थी कि प्राइमर उसे अब अपनी मर्जी से आज़ाद न करेगा, बल्कि हो सकता है कि वो इसे हलाक करने की कोशिश करेगा ताकि वीआईपी का राज हमेशा के लिए राज ही रह सके। लेकिन यहाँ से निकलने की कोई तरकीब उसकी समझ में ना आ रही थी। उसने पुराने दरख्त ढूंढने की भी कोशिश की ताकि उसकी मदद से कोई किश्ती वगैरह तैयार कर सके, लेकिन किश्ती बनाने के मखसूस औजार भी इमारत में मौजूद ना थे। आखिर जब वो सोचते सोचते थक गया तो उसने उसका ख्याल छोड़ा और बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। फिर उसकी आंख खुली तो रात गहरी हो चुकी थी और अब बाहर समुंदर का शोर काफ़ी तेज सुनाई दे रहा था। कमरे में भी अंधेरा था। वो उठा और एक बार फिर कमरे से बाहर आ गया। जजीरा अंधेरे में डूबा हुआ था, आसमान पर भी बादल थे, इसलिए दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के और कुछ न दिखाई दे रहा था। सिवाय पानी के शोर के जजीरे पर और कोई आवाज़ न थी। इमरान साहिल के करीब आकर पत्थर पर बैठ गया। उसका अंदाज़ा था कि रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी नींद कर चुका था, इसलिए अब उसे नींद ना आ रही थी। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जब उसे सर्दी सी महसूस हुई तो वो उठने ही लगा था कि अचानक उसे इमारत की तरफ से खटके की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थीं, इसलिए वो गौर से इमारत की तरफ देखने लगा, लेकिन खटके की आवाज़ दोबारा सुनाई न दी थी। फिर अचानक इमारत की अगली तरफ से यकदम इंतहाई तेज़ रोशनी नमूदार हुई और दूसरे लम्हे इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे पूरा जजीरा ज़ोरदार धमाके से हिलने लगा हो और उसके साथ ही पैदर पे दो तीन धमाके हुए और इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि छोटी सी इमारत टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखरती चली गई। इमरान तेज़ी से उठा और एक दरख्त के तने की ओट में हो गया, लेकिन फिर यकदम खामोशी तारी हो गई। जब काफ़ी देर हो गई और किसी किस्म का कोई खटका सुनाई ना दिया तो इमरान दरख्त की ओर से निकला और तेज़ तेज़ कदम उठाता इमारत की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार टक कर रुक गया। पूरी इमारत ज़मीन बोस हो चुकी थी, हर तरफ उसका मलबा बिखरा हुआ था। इमरान समझ गया कि इमारत को मिज़ाइलों से उड़ाया गया है। वो तेज़ी से साइड से होकर इमारत की अगली तरफ गया, लेकिन वहाँ भी खामोशी तारी थी। वैसे इमारत में आग ना लगी थी, वरना ये आग पूरे जजीरे में फैल जाती, क्योंकि जजीरे में हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। इमरान समझ गया कि प्राइमर ने वादा खिलाफी की है और शायद आप दोस्त के जरिए आदमी भेजकर उन्होंने ये सोचकर इमारत उड़ा दी है कि इमरान अंदर सोया हुआ होगा, जो इमारत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और अब सुबह को ये लोग चेकिंग के लिए आएंगे। वो एक तवील सांस लेकर मुड़ा। वैसे वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि अगर उसकी आंख न खुलती और वो बाहर ना आ जाता तो उसकी लाश के भी इमारत के साथ टुकड़े उड़ जाते, क्योंकि जिस जगह बेडरूम था उसे अंधेरे के बावजूद वो जगह ज़्यादा मुतासर नज़र आ रही थी। उसका मतलब था कि मिज़ाइलों से खसूसी तौर पर बेडरूम को ही तबाह किया गया है। इमरान वापस आकर एक उन्हें दरख्त पर चढ़ा और फिर एक ख़ास जगह देकर वो वहीं इस अंदाज में बैठ गया कि बाहर से नज़र ना आए और अगर उसे नींद आ जाए तो वो नीचे भी ना गिरे, लेकिन जाहिर है इन हालात में उसे फौरी नींद ना आ सकती थी। वो बहरहाल मुतमिन था कि ना सिर्फ उसकी जान बच गई है बल्कि अब उसके यहाँ से निकलने का भी स्कोप बन गया है।
क्योंकि ला महाला आप दिन के वक्त वो लोग इसकी मौत को कन्फर्म करने जजीरे पर आएंगे और इस तरह उसके यहाँ से निकलने का स्कोप बहरहाल बंद ही जाएगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।